कोई भी लैपटॉप ले लो, ऑनलाइन से भी कम में दे दूंगा। हेलो गाइस, तो आई मैं आया मुंबई की चीपेस्ट एंड फेमस पीसी एंड लैपटॉप मार्केट में, जो कि लैमेंटन रोड पे है। तो चलिए पहले जानते हैं लैपटॉप की स्पेक्स एंड प्राइसिंग क्या है इनके पास। तो सर आप बताइए पहले अपनी शॉप का नाम एंड अपना नाम। मेरे शॉप का नाम है आरजे डिजिटल अलायंस और मेरा नाम है खुश जैन। और शॉप का जो एड्रेस है वो आता है लैमिंगटन रोड, जो ग्रैंड रोड से नियर स्टेशन से 2 मिनट का रास्ता है, पुलिस स्टेशन के जस्ट सामने ही है। तो आपके पास किस रेंज के लैपटॉप अवेलेबल हैं एंड कौन कौन से लैपटॉप्स हैं एंड उनकी स्पेक्स वगैरह क्या हैं? मेरे पास जो लैपटॉप रेंज स्टार्ट है वो है 20,000 से लेकर, मीन्स जो स्टार्ट करेंगे वो अपन नॉर्मल से लेकर हाई एंड तक जाएंगे, मीन्स 20,000 से लेकर 60-70 तक के जो भी लैपटॉप्स है सब बताऊंगा, जिसमें पेंटियम एथलॉन से स्टार्ट करेंगे, i3 आएगा, राइजन आएगा, i5 11, सब टाइप के लैपटॉप्स बताऊंगा जो बेसिक गेमिंग के लिए भी काम आ जाएंगे। तो दिखाइए आपके पास कौन कौन से लैपटॉप हैं। अभी जो अपना फर्स्ट जो लैपटॉप है वो है क्रोमबुक। अभी मीन्स कोई कस्टमर को खाली क्रोम का यूज़ है वो क्रोमबुक के लिए भी जा सकता है, जो आसूस में है। जो क्रोमबुक आएगा 4GB रैम आती है, 64GB स्टोरेज के साथ आता है। और प्राइस और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 20,000 तक आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको मीन्स कम इंच में चाहिए तो 13 इंच भी मिल जाएगा। ओके 12 इंच में भी अवेलेबल है, तो इंचेस भी है। और ब्रांड कोई भी चाहिए, सब जितने भी लैपटॉप्स रखे हुए हैं सब में अपने पास है ना, ऑल ब्रांड्स अवेलेबल है। मीन्स ये आसूस है, आपको HP में चाहिए सेम कॉन्फिग में, मीन्स अभी अपना ये सब मेरी डिज़ाइन की हुई लैपटॉप से, मीन्स इसमें पेंटियम में मैंने बताया आपको आसूस, तो पेंटियम में आपको डेल HP भी चाहिए तो वो सब अवेलेबल हो जाएगी। तो ब्रांड्स का वो कुछ इतना मत देखना, मतलब सभी CPU के अवेलेबल हैं आपके पास। अब ये जो दूसरा जो अपना लैपटॉप है वो आसूस का पेंटियम है, जिसमें आपको 4GB की रैम आएगी, 1TB हार्ड ड्राइव के साथ आएगा और ये 15.6 स्क्रीन के साथ है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये इसका प्राइस जाएगा आपको 22,000 तक। और मेरे जितने भी प्राइजेस है वो सब विद GST के साथ है। रैम कितनी है उसके अंदर? 4GB की रैम है, 1TB की हार्ड ड्राइव है। ओके, तो इसके बारे में बताइए। अब इसके बाद जो है वो है लेनोवो, जिसमें अपना एथलॉन प्रोसेसर है, 4GB की रैम है विथ 256GB SSD के साथ है। अब ये जो मॉडल है अपना विथ SSD के साथ है। अच्छा, ये आपको 14 इंच, हाँ ये जो दो थे ये हार्ड ड्राइव वाले थे और ये SSD के साथ। और इसमें तो आपको और फास्ट होता है ना? हाँ SSD थोड़ा आपको बूटिंग फास्ट कर देगा। और ये इसका जो इंचीज है ये 14 है, इसमें आपको 15 इंच है तो 15 इंच भी अवेलेबल है। okay. और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको जाएगा 23,500 तक। अच्छा, इसकी बताइए आप। और इसके बाद जो है वो इंटेल i3 10th generation है, तो 8GB की रैम है, 1TB हार्ड ड्राइव है। और इसमें आपको i3 10th में और भी अवेलेबल्स हो जाएगा, जिसमें 8GB रैम, 1TB हार्ड ड्राइव, 256 SSD वाला चाहिए या फिर 8GB रैम प्लस 512 SSD के साथ चाहिए तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल अपना जो ये है इसका प्राइस है आपको i3 10th 8GB रैम 1TB हार्ड ड्राइव के साथ जाओगे तो आपको 27,000 तक जाएगा। और इसमें विथ SSD के साथ जाओगे तो 2,000 रुपये आपका बढ़ जाएगा। i3 कौन सा जनरेशन है ये? 10th generation। ओके, तो नेक्स्ट इसका बताइए आप। नेक्स्ट जो है वो अपना राइजन 3 है, 8GB रैम है, 256 SSD के साथ। मॉडल क्या है? हाँ ये जो है HP का 15S सीरीज है। okay. जो HP का लैपटॉप है जिसमें राइजन का प्रोसेसर है विथ रेडियन ग्राफिक के साथ आता है, जिसमें 8GB की रैम आएगी, 256GB SSD 15.6 स्क्रीन के साथ आएगा। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको जाएगा 28,000। अच्छा, तो इसका बताइए आप। हाँ इसके बाद जो है वो अपना डेल i3 11th generation है। okay. ये जो लैपटॉप है ये लेटेस्ट वन है, 11th generation। Yes. और ये i3 11th है, इसके बाद ये राइजन 5 5000 सीरीज के साथ है। इसमें राइजन 5 5500U प्रोसेसर आएगा, 8GB की रैम आएगी, स्टोरेज आएगा 512GB SSD के साथ है। विंडोज 10 11 अपडेट है, कोई भी लैपटॉप्स लो जो i3 से स्टार्ट है ना उसमें विंडोज 11 भी अपडेट है। और ये भी 15.6 स्क्रीन के साथ है, एकदम लाइट वेट है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको जाएगा 39,000 तक। 39,000? वो भी 5500U वाला? हाँ 5500U, बहुत अच्छी प्राइस है। और इसके बाद जो है ये लेनोवो का है,
जो i5 11 जनरेशन विथ आयरिस ग्राफिक के साथ है। इसके स्पेक्स की बात करें तो ये आपको जाएगा 8 GB रैम 512 GB SSD के साथ विंडोज 11 अपडेट है। और price. इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको प्राइस जाएगा अराउंड 46,000 ये भी विथ फिंगरप्रिंट के साथ है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी है मैंने देखा इसका बताइए। ये भी वही है i5 11 है पर ये 14 इंच के साथ है। अभी कोई कस्टमर रहता है उनको लाइट वेट और 14 इंच चाहिए तो वो भी अवेलेबल है जो एसर की एस्पायर सीरीज है। एस्पायर सीएल मीडियम की है ना। यस। और इसमें जो स्पेक्स आएगा वो आपको 8 GB का रैम आएगा 512 GB SSD के साथ आएगा। अच्छा। और ये 14 इंच डिस्प्ले के साथ है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको जाएगा अराउंड 46,000 ये भी विथ आयरिस ग्राफिक के साथ है। ओके तो और इसको बताइए आप। इसके बाद जो अपना लैपटॉप है वो i7 10th के साथ है। MSI का है ना ये? यस ये भी MSI का है 14 इंच के साथ है। हाँ एकदम लाइट वेट है। इसका आप लुक भी देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है ये। यस उसके बारे में बताइए थोड़ा। अभी ये जो है ये i7 10th जनरेशन है जो 16 GB की रैम आएगी आपको 512 GB स्टोरेज आएगा विथ NVIDIA 2 GB ग्राफिक मीन्स इसमें NVIDIA का 2 GB। अभी मीन्स इसमें आपको नॉर्मल गेमिंग करनी है थोड़ी एडिटिंग करनी है तो वो सब हो जाएगा आपको। ये हुआ i5 11th हुआ Ryzen 5 हुआ Ryzen 3 हुआ उसमें नॉर्मल कोडिंग एडिटिंग वो सब करनी है वो सब हो जाएगा। पर इसमें आपको नॉर्मल आपको GTA 5 या ऐसा गेम भी खेलना है तो वो भी आराम से रन हो जाएगा। लाइट वेट भी काफ़ी है। यस वेट लिखा ही हुआ है 1.29 kg। और इसका स्पेक्स जो 16 GB रैम है 512 SSD के साथ है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको जाएगा 59,000 विद 16 GB रैम i7 10 जनरेशन है। वाओ यस एंड साथ में NVIDIA का ग्राफिक कार्ड भी है डेडिकेटेड थंडरबोल्ट भी है उसमें सिल्वर एंड ब्लैक कलर दोनों अवेलेबल है। और आपको इसके अलावा लैपटॉप के रिगार्डिंग कोई दूसरा मॉडल या कोई गेमिंग भी लगे ना तो आप मेरे को बता सकते हो। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन पे मैं बता दूंगा आपको। में आपको मिल जाएगा एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में। जो भी आपका अवेलेबल मॉडल नंबर कोई भी लगे आपको तो वो बता देना मैं आपको हर चीज़ का प्राइस बता दूंगा। और इसके अलावा मेरे शॉप में गेमिंग डेस्कटॉप हुआ PC फिर नॉर्मल कोई भी एसेसरीज हुआ IT के रिलेटेड वो सब प्रोवाइड हो जाएगा। तो गाइस हमने यहाँ पे देखे काफ़ी सारे लैपटॉप एंड उनकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी प्राइसिंग लगी मुझे ऑनलाइन कंपेरिजन में। तो इनका एड्रेस एंड फोन नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो चेकआउट कर लेना। तो बस इस वीडियो में यही था। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।